हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो फिलहाल आए लंच करने के लिए। तो लंच में जैसे कि बोला था बुफे लगेगा, फिलहाल बुफे नहीं लगा हुआ है क्योंकि पब्लिक ज़्यादा नहीं है। आज पब्लिक कम है, फ्राइडे का दिन है, सैटरडे संडे क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। तो इन्होंने मेनू दिया है, हमें मेनू में से बोला है कि आप जो मर्जी आइटम बोल सकते हैं, सब कुछ अनलिमिटेड है, बुफे की तरह ही अला कार्ट ऑर्डर करना पड़ेगा। तो मेनू में से ऑर्डर करते हैं इनकी। तो जो खाना हमारा बुफे में था वो हमने अला कार्ट बोला है। ये है इनकी चिकन करी नॉन वेज के अंदर, और ये है इनकी बिरयानी, और उधर हैं कुछ नूडल्स, और ये शाही पनीर, भिंडी मसाला। बाकी प्रॉपर जो बुफे लगेगा, प्रॉपर बुफे मैं आपको नेक्स्ट डे दिखाऊंगा इनका। अभी बुफे लगा नहीं है, अभी अला कार्ट बोला है, अभी और खाना आ रहा है हमारा। लाल चिकन चेक करते हैं, इनका बिरयानी चेक करते हैं, दिखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, कैसा है। अब आ रही है हमारी ब्रेड्स, बटर नान वगैरह और लच्छा पराठा। थोड़ी ग्रेवी भी डाल, बटर नान ही कर देते ना। ये है चिकन करी। तो चिकन चेक किया है, टेस्टी है, बहुत बढ़िया है बिरयानी। तो भैया लंच तो कर लिया, लंच बहुत टेस्टी था, लंच में दिखा दिया मैंने आपको कि आला कांटे में हमने ऑर्डर किया था। बाकी शाम को बफे होगा, कल भी बफे मिलेगा। अभी फ़िलहाल गाड़ी के पास आएँ कुछ सामान निकालने के लिए। यस, कहाँ है वो रखा है अपना, एक वो लेकर आएँ कुछ गाना बजाने का, रेडियो वगैरह ब्लूटूथ वाला। तो सामने स्विमिंग पूल है, वहाँ पर बजाएँगे, रील्स वील्स बनाएँगे कुछ, और गाने लाइव बजाएँगे, तो मज़ा आएगा। एक मिनट देखते हैं कहाँ पर रखा है। हाँ, दो चीज़ें भूल गए थे, ये देखिए, इसे आप ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, साउंड भी काफ़ी अच्छा है इसका। स्विमिंग पूल के पास रखेंगे इसे, और यस क्या करेंगे इस रेडियो को वहाँ पे स्विमिंग पूल के पास ले जाएंगे, वहाँ पे बजाएंगे अपना, क्योंकि इस टाइम पे क्राउड ज़्यादा नहीं है। पार्किंग भी देख सकते हैं पूरी खाली पड़ी है, जब हम आए थे तब तो काफ़ी गाड़ियाँ लगी थी, तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों का चेकआउट हो गया हो खाना वाना खाने के बाद। अब एक चीज़ और, रास्ते में एल1 पड़ा था तो बियर की पेटी लेकर आए थे एक, तो फ़िलहाल उसमें दो कैन निकाल लेते हैं और इसे फ्रिज में लगा देंगे ताकि चिल्ड हो जाएँ। फिलहाल गाड़ी लॉक करते हैं सबसे पहले। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो सामने गाड़ी लगाई थी, वहाँ से क्या है सनलाइट डायरेक्ट वहाँ पड़ती है, वो देख सकते हैं पूरी गाड़ी पे धूप पड़ रही है। तो जब हमने चेकआउट किया था तो पूरे गाड़ी इतनी ज़्यादा गर्म हो गई थी, इतनी ज़्यादा गर्म हो गई थी कि 5-7 मिनट तो गेट खोल के एसी चला के ऐसी छोड़ दी थी हमने, शीशे वैसे नीचे करके। अब आपको दिखाएंगे फिलहाल रूम, रूम तो शायद मैंने दिखा दिया था पिछले वीडियो में। अब फिलहाल चलेंगे स्विमिंग पूल पे, लंच वंच कर लिया है, पहले कॉस्ट्यूम वगैरह चेंज कर लेते हैं क्योंकि नायलॉन के कपड़े पहनना ज़रूरी होता है, नायलॉन के कपड़े पहन लेते हैं, उसके बाद जाएंगे स्विमिंग पूल के अंदर। शाम को यहाँ पे बैठ के आप टी इन्जॉय कर सकते हैं शाम की हाइटी पे। फिलहाल लिफ्ट बुलाते हैं, हमारा वाले रूम है शायद, क्योंकि वहाँ से पूल साइड हमने लिया है, पहले हमारे स्वीट रूम थे हमने, लेकिन शिफ्ट करा के पूल साइड रूम ले लिया है, वहाँ से क्या होगा सीधा पूल दिखता है, क्योंकि पहले भी हमने वही रूम लिए थे। फर्स्ट फ्लोर ना, देखिए जी ये आ गए। अब यहाँ का भी अगर आप व्यू देखें तो यहाँ से भी व्यू काफ़ी अच्छा लगता है। लास्ट टाइम हमने और सेकंड फ्लोर पे, मतलब लास्ट टाइम आए थे, दो बार आ चुके हैं, तो एक बार हमें अला रूम मिला था, एक बार वाला, अब थर्ड टाइम में हमने अला रूम लिया है। ऊपर यहाँ पे टेरिस बनी हुई है इनकी छोटी सी, तो शाम के टाइम यहाँ का माहौल बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे बैठ के आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और एक इनकी यहाँ से रास्ता है, यहाँ से स्विमिंग पूल वगैरह दिखता है, वो भी आपको दिखाएंगे अभी। ये लास्ट टाइम भी वॉल ऐसी थी, अब भी ऐसी है, सेम डिज़ाइन। तो जी ये हमारा रूम है, लास्ट टाइम वॉलर रूम था, वो भी पूल साइड था, ये भी पूल साइड रूम है, ये वॉशरूम है, यहाँ पे अपना छोटा सा फ्रिज भी मिल जाता है, और ये कुछ पूल नज़र आता है यहाँ से, ये देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ से। और वो लास्ट टाइम कॉर्नर का था, कॉर्नर से भी सब काफ़ी कुछ दिख रहा था। और ये डबल बेड रूम, काफ़ी नीट एंड क्लीन होता है इनका,
और मतलब जैसे होटल्स वगैरह में रुके हैं तो उनके अकॉर्डिंग, और कोई भी मतलब यहाँ पे लॉन्ड्री सर्विस, हर एक सर्विस अवेलेबल होती है। अभी आपको मैं वॉशरूम भी दिखाऊँ, तो अब चल रहे हैं स्विमिंग पूल के पास। पहले मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। वॉशरूम कैसा है, खुल क्यों नहीं रहा, खुल गया। तो वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आप लोगों को अगर यहाँ पर चेक इन करते हैं तो। वेस्टर्न सीट है, अब चलते हैं। आ जा, ड्रामेबाजी कर रही ज़्यादा। तो जो मैंने रास्ता दिखाया था फायर एग्जिट, यहाँ से चलते हैं फिलहाल, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको वहाँ का नज़ारा दिखाऊँगा। यहाँ से राइट पे जो स्विमिंग पूल है ऊपर से नज़ारा दिखता है। और ये 8 एकड़ में प्रॉपर्टी बनी हुई है। 8 एकड़ बहुत ज़्यादा होता है, कैलकुलेट कर लेना आप गूगल पर कितना होता है गज में या स्क्वायर फीट में, जिसको जैसे समझ आता है। और शाम को हाइट जो लगती है वो यहाँ पे लगती है नीचे, मैं भी दिखा देता हूँ बाहर से। इस जगह पे शाम को आपके 5 बजे करीब चाय नाश्ता होता है, पकौड़े वगैरह, बिस्कुट वगैरह। और वाला वो भी जो ग्राउंड है वो भी इन्हीं का ही है, ये पूरा ग्राउंड इन्हीं का ही है, ये पूरा ग्राउंड इन्हीं का ही है। ये देख सकते हैं वहाँ पर लिखा टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, क्रिकेट ग्राउंड, सारा बहुत सारी एक्टिविटी होती है यहाँ पे। अब चलते हैं स्विमिंग पूल की ओर। ये शॉर्टकट रास्ता है अपने रूम से जाने का। और जब स्विमिंग पूल से यहाँ से ऊपर आते हैं तो यहाँ पे मुझे याद है अच्छी तरीके से पैर बड़े फिसलते हैं टाइलों के ऊपर, पैर वगैरह गीले होते हैं। तो ये देख सकते हैं। और सैटरडे संडे यहाँ पे रेन डांस होता है शाम के टाइम पे। ये देख सकते हैं स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट और आगे क्रिकेट ग्राउंड भी है। यहाँ पे शावर लगा हुआ है, सबसे पहले शावर, ये देखिए यहाँ पे शावर लगा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे शावर ले लीजिए, उसके बाद स्विमिंग पूल में जाइए, आप ही की सेफ्टी है क्योंकि इसमें क्लोरीन होता है स्विमिंग पूल के पानी में बहुत ज़्यादा, जो अपनी सेफ्टी है। और स्विमिंग पूल के बाद ये वाला शावर लीजिए ताकि जो क्लोरीन होता है वो आपको नुकसान ना दे। अभी वो वहाँ पे बच्चों का जो झूला है उस पर भी ऊपर से पानी चलता है, बच्चे स्लिप करके नीचे आते हैं। स्विमिंग पूल के पास और भी यहाँ पर बच्चों के लिए इंजॉय करने के लिए टॉय हैं, झूले हैं, ये देखिए यहाँ पर और भी झूले हैं बच्चों के लिए। और ये स्विमिंग पूल यहाँ पर काफ़ी मतलब डीप है, यहाँ पे 4.5 फुट है स्विमिंग पूल, 4.5 फुट काफ़ी होता है, यहाँ पे कम है। अभी जाएंगे, सबसे पहले शावर लेंगे। तो ये जो रेडियो लेकर आए थे ब्लूटूथ वाला, कारवान वाला नहीं है, उसका थोड़ा सा डिफरेंट टाइप वो है, ये मॉडल है, डिफरेंट मॉडल है कारवान का। इसमें भी बहुत सारे गाने हैं, ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप एटमॉस्फेयर देख सकते हैं यहाँ का। इस टाइम पे मैं स्विमिंग पूल के अंदर हूँ और कितना बढ़िया शाम को वहाँ पे, आज तो फ्राइडे है, कल या परसों रेन डांस भी होगा वहाँ पे। ये देख सकते हैं स्विमिंग पूल, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है यहाँ का, नॉर्मली यूजुअली होता नहीं है इतना बड़ा स्विमिंग पूल। अब यहाँ से ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं इसे, उसके बाद थोड़ा सा गाने वाने बजाते हैं। दोबारा फिर से तो मज़ा आ रहा है हमें फिर। ठंडी हवा चल रही है तो फाइनली जा रहे हैं अब हाईटी के लिए। हाईटी दिखाते हैं यहाँ की हाईटी कैसी होती है। 1 घंटा हो गया करीब करीब हमें स्विमिंग पूल के अंदर ही। स्विमिंग पूल मैंने दिखा दिया आपको नीचे से किस तरीके का है। अब मैं आपको जो चीज़ दिखाने की कह रहा था वो दिखाता हूँ। यहाँ से जो ऊपर का व्यू है स्विमिंग पूल का, ये तो इनकी जो वॉल मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी आपको, ये रास्ता यहाँ से जा रहा है इनकी। प्रॉपर्टी इनकी काफ़ी बड़ी है, 8 एकड़ में बसी हुई है, रूम भी बहुत सारे हैं। और जो सामने वाली बिल्डिंग देख रहे हैं आप वाली, वो बिल्डिंग भी इनकी है, आशियाना के नाम से है। जब यहाँ के सारे रूम फुल हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं अपने कस्टमर को सामने शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ की भी आप बुकिंग कर सकते हैं। वो भी क्या कहते हैं ट्री हाउस के नाम से ही आएगी, आशियाना ट्री हाउस के नाम से। और यहाँ का कुछ नीचे का एरिया ऐसा है, यहाँ का मैंने दिखा दिया था, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा उमदा है। अब तो हमने जो है यहाँ पे 3 रूम ले रखे हैं, तीनों अपने पूल साइड लिए हैं, देख सकते हैं आप। एक ये वाला रूम है या शायद 1, 2, 3, हाँ ये तीनों रूम है, आगे के 3 छोड़ के उसके बाद 3 रूम हमारे हैं। और यहाँ से पूल साइड है, यहाँ से हम पूल में भी देख सकते हैं, मैंने दिखाया था। अब यहाँ से आप नज़ारा देखिए कितना प्यारा है।
ये देखिए वो बच्चों का स्विमिंग पूल है, और ये देखिए स्विमिंग पूल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है इनका। और वो जो दूर तक प्रॉपर्टी देख रहे हैं वो भी इन्हीं की है, सॉरी वहाँ पे प्लेग्राउंड है खेलने के लिए, यहाँ पे जिम बना हुआ है। अभी तो मैंने आपको बहुत कुछ दिखाया नहीं है क्योंकि अभी और चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको आने वाले वीडियो में, और इस वीडियो में भी जितना हो सकेगा कवर करूँगा क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वरना एक वीडियो आप देखते देखते बोर हो जाएंगे अगर एक ही वीडियो लंबा हो जाएगा तो। तो इस जो वीडियो होगा एक जो लेंथ रखेंगे 10 से 15 मिनट की रखेंगे एक वीडियो की, और 3 से 4 वीडियो के अंदर ये जो है सीरीज ख़त्म कर देंगे। जी टाइम हो रहा है फ़िलहाल 6:05, 7 मिनट और 6 बजे हाइट स्टार्ट हो जाती है, और 6 बजे फ़िलहाल हाइट में देखते हैं क्या क्या मिलता है। हाइट में फ़िलहाल इन्होंने बोला है कि रेस्टोरेंट में ही जाना पड़ेगा क्योंकि कहाँ जा रहे हो, तो फ़िलहाल हाइट ही देखते हैं। इसमें होगा टी बिस्कुट और आपका पकौड़े वगैरह कचरी वगैरह, देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे आईटी के अंदर। ये है इनका कार्ड्स रूम, अगर आपको जैसे मैंने बताया था यहाँ पे गेम्स बहुत सारी हैं, अगर आपको पत्ते खेलने का शौक है तो भी आप यहाँ जा सकते हैं, लेकिन हमें शौक नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। फ़िलहाल चलते हैं नीचे क्योंकि हमारा हो गया है चाय का टाइम, और प्ले हाउस भी जाना है ना, बस ये पार्टी ना कर दे, पार्टी कर दी ना। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं नीचे लिफ्ट से ग्राउंड तक चाय पीने, अब वहाँ पर चाय पी के फिर हम जाएंगे प्ले हाउस, अब वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर क्या क्या हम, मैं और मेरी बहन देखते हैं वहाँ क्या करेंगे। अपना जुगाड़ पहले कर लो, प्ले हाउस जा रहे हो। हाँ तो भैया कह रहे हैं यहाँ पे कहोगे वहाँ पे हाईटी करा देंगे क्योंकि और किसी ने शायद पैकेज इंक्लूड नहीं लिया होगा हाईटी का, हमने तो ले रखा है। कह रहे हैं बाहर कहोगे बाहर करा देते हैं, बैक साइड में बैक साइड में, तो अंदर एसी वगैरह चल रहे हैं तो अंदर ही कर लेते हैं। और शाम को डिनर में जो बटर चिकन बोला था वो जाएगा ठीक है। तो ये इनका डाइनिंग एरिया कुछ, अब हम यहाँ पर खाने में पर हम चाय पीने आए हैं। वैसे अंकल ने बोला था कि तुम कहीं पर भी पी सकते हो चाय, तो हमने सोचा कि चलो अंदर ही पी रहे थे, अंदर एसी चल रहा था, हम रेस्टोरेंट के अंदर आ गए चाय पीने के लिए। अब हम चाय पीने के बाद प्ले हाउस जाएंगे, प्ले हाउस में मेरी बहन और मैं देखते हैं वहाँ पर क्या क्या खेलने के लिए होगा हम दोनों के लिए। तो भाई टीम आया है फिलहाल पकौड़ा चटनी और एक चटनी और चाय और बिस्कुट, चाय बिस्कुट अभी आ रही है, बिस्कुट चटनी पकौड़ा बिस्कुट चटनी।